हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर में एक तरफ लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं बाड़मेर शहर में माहेश्वरी भवन के पीछे बापू कॉलोनी के लोगों को शुद्ध पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। नगर परिषद के वार्ड में टोटी के नलों से आ रहे गंदे पानी का उपयोग लोग किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिन लोगों को इसी पानी को पीना मजबूरी है, उनकी सेहत खराब हो रही है। बाड़मेर शहर के ज्यादातर हिस्सों में ऐसी शिकायत बनी हुई है। पहले ही संक्रमण और बीमारी के खतरे से लोग डरे हुए हैं, उस पर नलों से गंदे पानी की आपूर्ति ने लोगों को और परेशान कर दिया है। बाड़मेर शहर के इलाकों में टोटी के नल लगे हुए हैं। इस पानी का प्रयोग सर्वाधिक कपड़े धोने, साफ सफाई आदि में किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन नलों से पिछले करीब दिनों से कस्बे के मोहल्ला व कस्बा सहित कई गली मोहल्ले में सुबह शाम गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। एक हफ्ते से लोगों की इस परेशानी को दूर नहीं किया गया है। लोगों में आशंका है कि महामारी के मौजूदा दौर में गंदा पानी आपूर्ति बीमारी फैला सकती है। कुछ लोगों ने डीएम व अन्य अधिकारियों को ट्वीट कर समस्या के समाधान की मांग की है। मोहल्ले की प्रियंका बिश्रोही का कहना है कि पिछले 10 दिनों से नलों में गंदा पानी आ रहा है, आखिर कैसे इस गंदा पानी का उपयोग करें? साफ पानी आने की आस में पानी भर लेते हैं, लेकिन इसे बहाना पड़ता है। शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी तरह खेतेश मेघवाल कहते हैं कि नलों से न तो पीने योग्य पानी आ रहा है और न ही किसी अन्य तरह से उपयोग किया जा सकता है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करेंगे। स्थानीय अधिकारी सुन नहीं रहे, उन्होंने डीएम को ट्वीट कर समस्या के समाधान की मांग की है। इसी कड़ी में किसानाराम बताते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में नलों से आ रहे गंदे पानी से लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन जलदाय विभाग इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। एक हफ्ते से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक नलों से साफ पानी नहीं आया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दिनेश बिश्रोही, इन्होंने ये कहा, टाँकी में पानी चालू कर रखा था, नल आया था रात को 2 बजे। हमने सुबह देखा तो पानी गंदा मिला, और पड़ोसियों को पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि पानी खराब आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और हमारी ये कॉलोनी में पूरे ऐसे खराब आ रहा है जो कि बापू कॉलोनी है महेश भवन के पीछे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।